जबलपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तन्खा ने दृष्टि पत्र जारी करते हुए कहा कि इन 60 सालों में जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी। हमारे प्रयास से 2 महीने के अंदर जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी 5 सालों में जबलपुर के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, युवाओं को रोजगार मिल सके, इसको ध्यान में रखकर ये दृष्टि पत्र जारी किया गया। उन्होंने कहा कि रोजगार में कनेक्टिविटी, नए अस्पताल और स्पोर्ट्स में जबलपुर का नाम देश में अव्वल आए, जिससे यहाँ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये दृष्टि पत्र को तैयार किया गया। एक कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में कराई जो कि 60 साल में कभी नहीं हुई थी, वो तैयारी की जिससे कि जबलपुर को उस मीटिंग का बेनिफिट मिले। और वो तैयारी में हमने करीब 38 प्रोजेक्ट्स जबलपुर के उस मीटिंग में सैंक्शन होते हैं, मगर ये भी 38 चीज है जो 2 महीने में हम लाए हैं, और जो हम 5 साल में लाएंगे वो तो अभी बहुत अभी उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। हमारा कहना है हम अब तैयार नहीं है जबलपुर को इस पिछड़ेपन के साथ देखने के लिए। जबलपुर को इंदौर, हैदराबाद, बैंगलोर और जैसे बड़े बड़े शहर, रायपुर भी अब बहुत डेवलप हो गया है, उसी तर्ज में आगे डेवलप होना चाहिए। हम जबलपुर की कनेक्टिविटी नेशन वाइड करेंगे, हमने जबलपुर की कनेक्टिविटी इंटरनेशनल भी करेंगे, हम जबलपुर की मार्केटिंग जबलपुर के बाहर बने विदेशों में भी करेंगे, हम ये सब भी प्लान बना चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक नया दृष्टिकोण और एक नया लीडरशिप का दृष्टिकोण जो जबलपुर में आ रहा है, ये जन जन तक पहुंचे कि अब जबलपुर वो सहने को तैयार नहीं है जो पिछले 25 साल और 15 साल से सह रहा था।